मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय चैनल MVIC मैथ्स एंड फिजिक्स। टुडे इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ लेसन नंबर 6। लेसन 6 इज किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। टुडे योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, ये वैद्युत धारा आई हो गई 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है, मिनट में नहीं यहाँ पर रखना है आपको, सेकंड में कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये तो सब लोग कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करना है। इतने सेकंड में प्रवाहित करने में लिखा हुआ है 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, W जो क्या 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, स्रोत का वैद्युत वाहक बल E आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, E = W upon Q, ये फार्मूला होता है, यहीं से आता है, जूल प्रति कूलाम कहें या इसी को वोल्ट कहते हैं, वैद्युत वाहक बल का फार्मूला। तो W अपॉन Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I into T, Q बराबर IT होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि Q = I into T, एम्पियर के नियम से वहाँ से आता है। तो इसका W का मान आप रख देंगे 1350, I का मान है आपका 3 और T का मान है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से काट दीजिए 6 टाइम आ जाएगा, 5 × 10 = 35, तो ऊपर कितना हो गया 27, नीचे यहाँ पर कितना हो गया, अभी 3 से कट जाएगा ना, फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 2, समझ लेना अपना कैसे कैंसिल किया, 3/2 अर्थात 1.5 वोल्ट, क्या कैंसिल हो जाएगा 1.5 वोल्ट, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर किया जाता है, 900 जूल कार्य प्राप्त होता है। देखिए V = यहाँ पर दिया हुआ है 12 जूल, और आपको जो कार्य प्राप्त होता है वो 909 वोल्ट, कितना कार्य प्राप्त होता है आपको, 900 जूल का कार्य प्राप्त होता है। प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर प्रवाहित होगा, आपको Q निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको वोल्टेज दे रखा है, कहीं विद्युत वाहक बल लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन आप जानते हैं आपके पास फार्मूला तो ये होता है E = W upon Q, तो ये जो वोल्टेज है ये क्या है, यहाँ पर E का काम करेगा, समझ रहे हैं। तो वही कहा यहाँ पर E होगा कि V होगा, ये समझना है, जबकि इसमें केवल लिखा है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर है, यहाँ विद्युत वाहक बल का शब्द लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपके पास फार्मूला क्या है, E = W upon Q और V = W upon Q, ये भी आपने पढ़ रखा है पिछली एक्सरसाइज में विभव की परिभाषा से, ठीक है, किया गया कार्य बटे आवेश, तो यहीं से निकल आएगा, आपको Q निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W upon V, W है 900 टन, कितना आ जाएगा 5 × 84, कितना बच जाएगा 60, 12 × 60 इतने कूलाम, ये आपका पहला आंसर हो गया, आवेश आपका हो गया 75 कूलाम। आगे और दे रखा है कि इस आवेश को बहने में 1 मिनट का समय लगता है, यदि T = 1 मिनट, 1 मिनट = 60 सेकेंड, अगर इस आवेश को बहने में 60 सेकेंड लगता है तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा आप क्या करोगे, I = Q upon T, सभी फार्मूले डायरी पर आप नोट कर लें सब लोग, और फार्मूला अगर याद है तो आप कैलकुलेशन जरूर कर पाएंगे, 5 से भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा 12 और 12 कर लीजिए कितना आ जाएगा 4 × 4 होगा, 4 × 8 = 4 × 3 कितने एम्पियर, 1.25 एम्पियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर दिया हुआ है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, ये बैटरी का EMF दे रखा है 3.2 वोल्ट हो गया, ठीक है, और 1.5 ओम ये बाहरी प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है 1.5 ओम, इसमें धारा भेज रहा है 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर,
तो कहा है फिर इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आपको स्मॉल आर निकालना है। ठीक, तो देखिए आपके पास फार्मूला होता है वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो वी होता है ये बाह्य वोल्टेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और ई जो होता है ये होता है वैद्युत वाहक बल। तो ये जो वी होता है ये सदैव निकाला जाता है वी बराबर आई आर, लेकिन आर कौन सा, बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि वी जो है ये बाहर का वोल्टेज होता है। जब आपको डेरिवेशन हमने कराया था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक सेल को जोड़ा था, यहाँ पर वोल्टमीटर को जोड़ा था, यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया था, कहा था इसके बीच का वोल्टेज नापने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो वी निकलेगा सदैव क्या निकलेगा, आई आर, बाह्य प्रतिरोध और कुल धारा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। आई का मान कितना दिया हुआ है 2, आर का मान कितना है 1.5, ई आपका है 3.2, आई का मान है 2 और स्मॉल आर निकालना है। 2 आर को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। 2 आर को इधर ले आया, पॉजिटिव हो गया, 3.2 ओम वोल्ट यहाँ पर बचा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 2 आर बराबर यहाँ पर बचेगा क्या, 0.2, तो आर हो जाएगा 0.1, 2 से डिवाइड करो इतने ओ। क्या बात समझ पाए, यहाँ से आपको बी दे नहीं रखा था, बी निकालना था, बी जहाँ भी निकालना होगा टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, तो ये बी निकलेगा आई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेकर निकलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना है, आंतरिक प्रतिरोध को नहीं लेना वहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर है, लिखा हुआ है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल, तो ये तो डायरेक्ट लिखा है E इक्वल टू कितना है 12 वोल्ट का एक विद्युत वाहक बल वाला एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध है 5×10⁻², ये आर स्मॉल आर दिया हुआ है, 5×10⁻², इसमें सब स्पष्ट लिखा हुआ है आपको। एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है, एक अज्ञात प्रतिरोध जो कि क्या होगा कैपिटल आर, ये अज्ञात प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध हमको अभी नहीं पता है, ठीक है, के सिरों पर जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, आपको वी निकालना है, ये वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इसमें 60 एम्पियर की धारा ली जा रही हो, जब I इक्वल टू है 60 एम्पियर, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो आपको कौन सा फार्मूला लगा देना है, V इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है, तो V इक्वल टू आ जाएगा, E का मान कितना दे रखा है 12, I का मान दे रखा है 60 एम्पियर और स्मॉल r दे रखा है 5×10⁻²। ये सेल के सिरों पर जब धारा दे रहा होता है सेल, तब जो विभवांतर होता है वो वी होता है, और जिस समय सेल ना तो धारा दे रहा है ना तो चार्ज हो रहा है, उस समय जो वैद्युत वाहक बल सेल का कहा जाता है वो ई होता है। ठीक है, अभी ये सेल दे रहा धारा तो इस समय क्या है इसके सिरों पर, वी है, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, तो सेल का जो वैद्युत वाहक वो विभवांतर होगा उस समय वो क्या होगा, ई हो जाएगा। तो वी इक्वल टू हो जाएगा 12 ये कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा, 10⁻², है ये 3 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, ये 2 0 इसमें सॉल्व करोगे तो V इक्वल टू आ जाएगा 9 वोल्ट। देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल कितना था 12 वोल्ट, लेकिन जब उसने धारा देना शुरू कर दिया तो उसका वोल्टेज घट के कितना बचा, 9 वोल्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जो ये टर्मिनल विभवांतर होता है ये सदैव वैद्युत वाहक बल से कम होता है, ये सदैव कम होगा जब बैटरी से धारा ली जाएगी, और जब चार्ज करने लगोगे तो ये फार्मूला उल्टा हो जाएगा, जहां पर आपने माइनस किया था वहां पर प्लस साइन का हो जाएगा सूत्र में, और तब क्या होगा, V ज्यादा हो जाएगा, E कम हो जाएगा। आपने ये जो फार्मूला बनाया है V इक्वल टू E माइनस IR, ये तब के लिए है जब सेल धारा दे रहा है, अगर सेल चार्ज किया जा रहा है, सेल धारा को ले रहा है, तो यहाँ पर ये जो होगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर फार्मूला आप ध्यान देंगे जहां पर चार्ज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव आपका है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, ये क्या है, रिस्पॉन्स करिए, आप क्वेश्चन अगर बुक रखे हैं तो जरूर बताइए कि हम बोलना क्या है, तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, ये क्या है, स्मॉल आर हो गया,
यदि इस सेल के दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए, ये 9 ओम कौन सा प्रतिरोध है? ये कैपिटल आर है, इसके प्लेटों के सिरों के बीच जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये कितना है? 9 ओम। आंतरिक प्रतिरोध होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आंतरिक प्रतिरोध है, अन्यथा वो एक्सटर्नल ही है। 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ कर परपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों का विभवांतर कितना होगा? अर्थात परपथ पूरा हो गया है, धारा का प्रवाह शुरू हो गया है, तब आपको विभवांतर निकालना है, फिर ये भी कितना होगा, समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखिए इसका सर्किट आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा समझने के लिए। आपको चाहिए तो फिगर अगर बना सकते हैं तो जरूर बना लें, फिगर बनाने से आपको बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ये लगा होगा, एक कैपिटल रेजिस्टेंस लगा है, ये आपको ई दे रखा है। आपको सबसे पहले तो इसमें बी निकालने के लिए क्या चाहिए? करंट। आपको बी बराबर फार्मूला होता है ई माइनस आई आर। आपको ई पता है, स्मॉल आर भी पता है, बट आपको आई नहीं पता है। तो किसी भी पर्वत में आई कैसे प्राप्त किया जाए? ओम के लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू वी अपान आर। वी मतलब उस पर्वत में टोटल विभवांतर और उस पर्वत में टोटल प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम परिपथ में धारा प्राप्त करेंगे। परिपथ में वैद्युत धारा आई इक्वल टू इसमें हो जाएगा ई अपान टोटल रेजिस्टेंस। सेल तो एक ही जुड़ा है तो वोल्टेज टोटल तो ई हो जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस इस पर्वत में कितना होगा? ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्या बात है, समझ पाए? आई इक्वल टू बी अपान आर, ई अपान आर हो जाएगा, लेकिन आर कितना? टोटल रेजिस्टेंस। तो आई इक्वल टू ई कितना है? 5, और आर स्मॉल आर है 1, और ये है 9। ये 1/10 अर्थात 1/2 एम्पियर। 1/10 हो जाएगा ना, 5/10 हो जाएगा, 1/2 अर्थात 0.5 एम्पियर। आई निकल आया ना। अब हम इस फार्मूले से बी निकाल लेंगे। बी इक्वल टू ई, ई हो गया 5, माइनस फार्मूला लिख दें एक बार, ई इक्वल टू ई का मान हो गया 5, आई का मान हो गया 0.5, स्मॉल आर कितना है? 1। तो 5 माइनस 0.5 कितना बचेगा? 4.5 वोल्ट। ये जो 4.5 वोल्ट आता है जानते हो कहाँ का है? वो इसके सिरों पर भी विभवांतर है, जिसको हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा करके नापते हैं। चाहे यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा ले, चाहे इसके सिरों पर यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ दे, तो ये कितना बताएगा? 4.5 बताएगा। और अगर इस वोल्ट मीटर को हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना बताएगा? 5 वोल्ट बताएगा। अगर हम परपथ को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दें और यहाँ पर हम इस वोल्ट मीटर को लगा लें तो सेल का वैद्युत वाहक बल बताएगा, क्योंकि इसमें धारा नहीं दे रहा है। तो ई बताएगा कितना? 5 वोल्ट। और इसी वोल्ट मीटर को हम यहाँ पर परपथ को कनेक्ट करके तब यहाँ पर लगा लें तो ये इसके सिरों का वोल्ट मीटर बताएगा जब धारा दे रहा है, और उस समय कितना बताएगा? 4.5 वोल्ट, क्योंकि धारा देते समय वोल्टेज गिर जाता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी सेल से 0.6 एम्पीयर धारा लेते समय उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट होता है। अब लिखा है टर्मिनल विभवांतर, तो ये क्या है? ई या वी? वी है। तो पहले जब हम करंट लेते हैं, I1 है 0.6 एम्पीयर, तो इस समय जो विभवांतर है V1, इसको हम ले लेंगे, ये आपको दिया है 1.6 वोल्ट। ये पहले की स्थिति है कि जब हम धारा इतनी ले रहे हैं तो वोल्टेज इतने वोल्ट हो जाता है टर्मिनल विभवांतर। और उसके बाद है तथा 0.8 एम्पियर धारा अगर हम ले रहे हैं इससे, अगर धारा हम 0.8 एम्पियर लेने लगे उसी सेल से, तो विभवांतर जो V2 हो जाता है वो हो जाता है 1.3 वोल्ट हो जाता है। ये जितना ही हम करंट देखो बढ़ाते जा रहे हैं, करंट का मान बढ़ा दिया, वोल्टेज टर्मिनल विभवांतर क्या हो गया? और डाउन हो गया। ठीक है, तो दो कंडीशन है कि कोई एक सेल जुड़ा है, उसका EMF कुछ भी होगा, ये एक सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर E जुड़ा हुआ है। तो जब इससे हम धारा ले रहे हैं I1, तब यहाँ पर जो टर्मिनल विभवांतर ये प्राप्त हो रहा है V1। जब धारा का मान बढ़ा देते, धारा का मान बढ़ेगा कैसे? रेजिस्टेंस को कम किया होगा। धारा का मान कैसे बढ़ेगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैसे ना कैसे कम किया होगा। तो जब धारा का मान बढ़ के I2 हो जाता है तो यहाँ पर विभवांतर बताने लगता है V2। ये दो स्थितियां दी हैं एक ही सेल के लिए, सेल वही है, सेल नहीं बदला जा रहा बार बार। तो कहा है सेल का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको E निकालना है, क्या है? क्वेश्चन मार्क, और स्मॉल आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब सेल नहीं बदला जा रहा है तो E तो वही निकलेगा, स्मॉल आर भी वही निकलेगा। तो देखिए दो इक्वेशन बनेगी, पहले आप फार्मूला लगा देंगे E इक्वल टू IR, यहाँ होगा V1 और I1। ठीक,
तो V1 का मान क्या है पहले 1.6 e माइनस I1 कितना है 0.6 और ये हो गया स्मॉल r, इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा V2 इक्वल टू e माइनस I2 r, V2 दिया हुआ है 1.3 और e का मान e ही रहेगा, I2 दिया है 0.8 और r इक्वेशन नंबर टू। अब ये सही है, ये V कम होता है, कम क्यों होता है क्योंकि e से I r घट जाता है। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करना है दोनों समीकरणों में से, तो आप क्या कर सकते हैं, ई का मान एक से निकाल करके दूसरे में रख दीजिए या दोनों को ऊपर नीचे रख करके घटा दीजिए, तो हम घटा दे रहे हैं। देखिए 1.6 इक्वल टू ई माइनस 0.6 आर, इसके नीचे लिखेंगे 1.3 इक्वल टू ई माइनस 0.8 आर, दोनों को हम क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इससे इसको घटाओगे बचेगा 0.3, यहाँ पर प्लस का 0.8 और माइनस का 0.6 तो बचेगा 0.2 आर, आर इक्वल टू हो जाएगा 3/2, एक अनुपात दशमलव यहाँ एक अनुपात दशमलव यहाँ था 1.5 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आया, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर वन में ही रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए वन में या टू में और ई निकल आएगा, तो 1.6 इक्वल टू ई माइनस 0.6 और यहाँ पर हम कितना लिखते हैं 1.5, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 0.9 आ जाएगा शायद, है ना, तो E इक्वल टू ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 होगा ना, 2.5 वोल्ट, ये आंसर है। इसको जोड़ तो लोगे आप लोग इधर ला करके ऐसा पता चल पाते, ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका 2015 में पूछा गया, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। देखिए 7 नंबर है, एक सेल के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। देखिए एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर को जब जोड़ा जाता है, ये था एक सेल। आपको ई और बी पहचानने के लिए आपको ध्यान देना है, देखो ये सेल था तो इसके वैद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए इसके सिरों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया और इसमें लिखा उच्च प्रतिरोध का वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की परिभाषा ही होती है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो अगर हमने सेल के सिरों पर हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ रखा है तो इस समय जो ये वोल्ट मीटर बताएगा जिस वोल्टेज को, वो वोल्टेज क्या होगा, ई या वी। ये ई होगा क्योंकि इस समय करंट नहीं लिया जा रहा है, इस समय केवल सेल के वैद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, तो इस समय वोल्ट मीटर ई बताएगा, वो लिखा है 15 वोल्ट। ये आपका है, जब भी कहा जाए कि सेल के सिरों पर वोल्ट मीटर डायरेक्ट जोड़ दिया गया है तो वो जो पाठ्यांक बता रहा है वो क्या बता रहा है, सेल का ईएमएफ बता रहा है, इस समय करंट नहीं लिया जा रहा है, उसका वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हमने केवल उसको जोड़ रखा है। तो इसमें कहा गया 15 वोल्ट मिलता है। बैटरी के सिरों को एक एमीटर से जोड़ने पर, अब बैटरी के सिरों को एक एमीटर से जोड़ दिया, एमीटर में क्या होता है प्रतिरोध जीरो होता है, शून्य होता है, तो एमीटर में क्या होगा करंट फ्लो होने लगेगा। जब वोल्ट मीटर जोड़ोगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है उच्च, तो यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हुआ। जब करंट का प्रवाह नहीं हुआ तो इस समय जो वोल्ट मीटर में वोल्टेज मिला वो क्या था ई, और फिर कहा यहीं पर एक एमीटर को जोड़ दिया गया। जब एमीटर को जोड़ोगे, एमीटर की परिभाषा होती है कि इसका प्रतिरोध जीरो होता है, जब प्रतिरोध जीरो है तो इसमें से होकर के करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि एमीटर क्या नापता है, एमीटर क्या नापता है करंट नापता है, धारा को नापता है। तो लिखा है जब यहाँ पर एमीटर जोड़ने पर एमीटर 1.5 एम्पियर पढ़ने लगता है, एमीटर पढ़ने लगता है कि यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगी कितनी 1.5 एम्पियर। तो जब धारा प्रवाहित होने लगी, अब अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज नापा जाएगा तो वो क्या होगा वी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आगे लिखा हुआ है तथा वोल्ट मीटर 9 वोल्ट पढ़ने लगा, अब वही 9 वोल्ट मीटर जो था वो कितना पढ़ने लगा 9 वोल्ट। देखिए यहाँ पर क्या था, आपका पूरा सिस्टम इस प्रकार से है कि पहले ये सेल था, इसका ईएमएफ ई होगा, इसके सिरों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया था। आप जानते हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत माना जाता है, यहाँ तो उच्च ही लिखा है, तो वोल्ट मीटर में धारा का प्रवाह नहीं होता, उन्होंने कहा जिस समय धारा नहीं दे रहा है सेल, उस समय उसका जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा ई होगा। तो इस समय इसका वोल्टेज नापा गया 15, तो वो क्या हो गया ई। उसके बाद यहीं पर एक जोड़ दिया एमीटर को, और जैसे एमीटर को जोड़ा तो एमीटर में धारा का प्रवाह होने लगा, अर्थात बल्ब से धारा चलने लगी ना, जब धारा चलने लगी है तो यहाँ पर विभव पतन जरूर होने लगा होगा, वी बराबर आई आर, तो इस वजह से वोल्टेज गिर जाएगा। अब जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज वी हो जाएगा, तो वो कह रखा है यहाँ पर 9 वोल्ट है, तो
इतना लिखने के लिए इतना सब कुछ तुमको समझा रहे हैं कि ई और वी में अंतर स्पष्ट कर सको क्या है दोनों में। अब देखा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आपको स्मॉल आर निकालना है, ठीक है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है तथा एमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध क्या है, आपको कैपिटल आर भी निकालना है। यहाँ पर जो कैपिटल आर का काम करेगा, ये जो संयोजक तारों का प्रतिरोध होगा, यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, जो तार जुड़े हुए हैं इन्हीं के प्रतिरोध को एक्सटर्नल प्रतिरोध मान लिया गया है। तो इसमें ये तीन चीजें दी हुई है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध तथा एमीटर के तारों का प्रतिरोध, कैपिटल आर निकालना है आपको और स्मॉल आर निकालना है। तो फार्मूला आप लगा देंगे वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी का मान है 9 वोल्ट, ई का है 15, आई है 1.5 और स्मॉल आर आपको निकालना है। इसको इधर ले आओ तो 1.5 आर पॉजिटिव हो जाएगा, 9 इसमें से 15 से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या बचेगा 6, आर इक्वल टू 6/1.5, डेसिमल हटाओ के यहाँ 60 हो जाएगा 4 ओम। ये आपका क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध आ गया, ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध आ गया, आपका पहला आंसर हो गया। आंतरिक प्रतिरोध निकालना था ना, हाँ आंतरिक प्रतिरोध हो गया 4 ओम। अब आपको निकालना है तारों का प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ पर हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, आई इक्वल टू कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस कुल बाह्य प्रतिरोध, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और हम इससे भी निकाल सकते हैं वी इक्वल टू आई आर, दोनों काम कर सकते हैं। हमने कहा वी क्या होता है, एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है, और आई क्या, आई निकालना है इनको सर, आई दिया है, आई धारा जो होती है वो सबके लिए है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, आंतरिक प्रतिरोध में भी वही जाएगी और बाह्य प्रतिरोध में भी वही आएगी, और कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हमको कैपिटल आर निकालने के लिए चाहे तो हम ये फार्मूला लगा दें, यहां से भी निकाल आएगा, और चाहे तो ये फार्मूला लगा दें कि कुल प्रतिरोध कुल वोल्टेज ये एम्पियर के बराबर हो, दोनों से सेम निकलेगा, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो वी अगर ना दिया होता तो ये हम लगाते, जब वी दे रखा है तो हम इसी से निकाल लेंगे, वी का मान 9, आई का मान 1.5, ये आर हो गया, आर इक्वल टू 9/1.5, डेसिमल हटाएंगे 90 हो जाएगा 6 ओम, 6 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा, ये तारों का प्रतिरोध है, जो ये संयोजक तार इसमें लगे हुए थे इनका रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जब हम बोर्ड पर आए तब सबके मुंह बंद हो जाया करें, बात तभी तक करिए जब हम वहां खुले परिपथ में, खुले परिपथ में मतलब इस समय धारा नहीं ली जा रही है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है, तो ये क्या है, ई है कि वी है, ये ई है, खुला परिपथ बोला है ना, धारा नहीं जा रही है इस समय, तो ये ई हो गया, ई दिया है 1.9 वोल्ट, नहीं हमारे में 1.9 है, इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए अपनी बुक के अनुसार चेंज कर लेना, ठीक है, चेंज होगा वहाँ। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, अगर 3 ओम प्रतिरोध कौन सा है, बाहरी प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है, इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। अब ये क्या है, अब ये भी है क्योंकि प्रतिरोध को जोड़ दिया, अभी हमने प्रयोग में बताया था कि प्रतिरोध को जोड़ दो धारा बहने लगेगी तो वोल्टेज क्या होगा, डाउन हो जाएगा, अब ये भी है कितना 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए, आपको ये ज्ञात करना है और आपको ये ज्ञात करना है, आपको वैद्युत परिपथ बनाना है। देखिए बिल्कुल वो जो बताए थे डेरिवेशन, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा है, ये कितना है 3 ओम, ये एक सेल जुड़ा हुआ है, सेल का ईएमएफ दे रखा है 1.9 और इसके सिरों पर जब यहाँ पर आपने वोल्टमीटर जोड़ा हुआ है ये, तो ये वोल्टमीटर कितना बता रहा है 1.5 वोल्ट बता रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया है, ये वोल्टेज इस समय यहाँ का बता रहा है इसके सिरों के बीच, ठीक है। तो करंट निकालना तो बहुत आसान है, जब करंट निकालना हो तो आप इससे निकाल सकते हो इन दोनों से, क्योंकि करंट जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, तो आप आई इक्वल टू निकाल सकते हो यहाँ पर V/R से, आप कहोगे यहाँ पर ई क्यों नहीं लिया, यहाँ पर हमको ये रेजिस्टेंस क्यों पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस और इसको जोड़कर रेजिस्टेंस लें टोटल रेजिस्टेंस, तो हम V की जगह क्या लेंगे E, ठीक है, अगर हम ये भी रेजिस्टेंस दोनों जोड़कर हम रेजिस्टेंस लें तो हम I निकालने के लिए E लेंगे, अगर हमको E लेना है तो जानते हो क्या करना पड़ेगा, I इक्वल टू E/r + R, अब हम E ले सकते हैं क्योंकि कुल वोल्टेज और कुल प्रतिरोध,
और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके सिरों के बीच जब वोल्टेज ले रहे हैं तो यहाँ की हमको धारा यहीं का प्रतिरोध लेना होगा, समझ पा रहे हैं। तो अब ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि हम I निकालने के लिए E कब लें और V कब लें। तो जो ये वोल्टेज है ये केवल यहाँ का है, तो धारा निकालने के लिए अगर यहाँ से धारा, तो धारा तो सब जगह बराबर आएगी, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ की निकालो, सब जगह सेम रहती है। तो अगर आपको V और R दिया हो तो इस सूत्र से धारा निकाल लेंगे। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता हो तो आप चाहे टोटल प्रतिरोध जोड़ लीजिए तो टोटल वैद्युत वाहक बल ले लीजिए सेल का, फिर इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात नहीं है तो हम एम्पियर किससे निकाल लेंगे, आई इक्वल टू वी अपान आर से निकाल लेंगे। वी का मान कितना है 1.5 और आर दिया हुआ है 3, तो आई आ गया 0.5 एम्पियर। एक ये निकलवाया आई, अब आपको स्मॉल आर निकालना रह गया है, स्मॉल आर, तो फार्मूला लगा दीजिए V इक्वल टू E माइनस आई आर। वी है 1.5, E है 1.9, I आया है 0.5 और ये R है। ये 0.5 इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, 1.9 से घट जाएगा 1.5, 0.5 R इक्वल टू यहाँ पर क्या देगा 0.4, R इक्वल टू हो जाएगा 4/5, 0.8 दसमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5/48, ठीक है, इतने ओम हो गए। ये आपके दोनों आंसर हो गए, एक ये इतने ओम हो गए और ये इतने एम्पीयर आ गया।